फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार ना रिबूट करना है, यानी कि फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। रीसेट आप लिखेंगे तो नीचे आपको ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ये ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करना है। अब आपको इस पेज में नीचे रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है। अब आपको नीचे ओके का बटन दबाना है। यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन में ना आपका ये फाइल का इस फाइल के आपको ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपको ना नीचे की साइड ये स्टोरेज का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पेज आएगा, इसे ओके करना है तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक काम ये भी करना है, मोबाइल फोन का जो सिम कार्ड होता है उसे मोबाइल से बाहर निकालना है और सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगाना है, और हो सके तो आपको SIM 2 या SIM 1 आपको यानी कि सिम स्लॉट एक बार चेंज करके भी देख लेना है, ठीक है ना। तो दोस्तों इन सभी तरीकों से आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।